आगरा की ट्रांस यमुना कॉलोनी से 3 दिन पहले जलकल विभाग से हुए महिला कर्मचारी के अपहरण कर फिरौती मांगने वाले मामले में आज सुबह बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोच लिया। घटना 20 मार्च की है। नारायण निवासी मालती देवी जलकल विभाग में लिपिक है। वह पति की जगह मृतक आश्रित में लगी है। सोमवार की दोपहर उन्हें किसी परिचित ने फोन किया, बताया कि उनका ई रिक्शा पलट गया है। दुर्घटना में चालक घायल हो गया है। महिला को कार्यालय से रायल कट पर बुलाया गया। वहां पर पहले से मौजूद बदमाशों ने मालती देवी को वैन में बिठा लिया। पुत्री को फोन कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। गुरुवार की सुबह करीब 4:30 बजे फाउंड्री नगर क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश साहिल के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने साहिल और उसके 2 साथी संजीव चौधरी व मयंक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना इकमाला क्षेत्र में 21 तारीख को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला ने बताया कि उसे कुछ अज्ञात लोगों ने एक गाड़ी में किडनैप करके ले गए थे और उसके कान के कुंडल, पर्स, मोबाइल छीन लिए और किसी तरह वो किसी बहाने से जब गाड़ी की जगह रुकी तो उसके चंगुल से फरार होकर पुलिस के पास आई थी। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद इसकी विवेचना प्रारंभ की। पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिरों के माध्यम से इस घटना का सफल अनावरण किया और इस घटना में जो अभियुक्त हैं 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 1 अभियुक्त को दौड़ाने मुठभेड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उनका नाम है साहिल पुत्र साहिल, ये जगदीशपुरा का रहने वाला है, सूर्यांश गुप्ता उर्फ मयंक पुत्र अशोक गुप्ता, ये थाना जगदीशपुरा का रहने वाला है, और संजीव चौधरी पुत्र जगदीश, ये भी सिकंदरा आगरा का रहने वाला है। और जब इनसे पूछताछ में पूरी घटना कुछ इस प्रकार निकल कर आई है कि जो संजीव चौधरी है वो इस महिला का महिला की बेटी का दोस्त था और इसी ने पूरी की पूरी घटना प्लान की थी। इसने 3 लोगों को हायर किया था किडनैपिंग करने के लिए, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 1 मोनू इसमें अभी भी वांछित है। और इन 3 लोगों को इसने गाड़ी मुहैया कराई थी और इसके बाद उसी गाड़ी से ये लोग आए थे और इन्होंने एक कहानी ये बनाई थी कि उसके टिर्री का एक्सीडेंट हो गया है। उसी टिर्री के एक्सीडेंट के स्थान पर ले जाने के लिए महिला को इन लोगों ने अपने गाड़ी में बैठा लिया था। उसके बाद इन लोगों ने उससे, जो महिला ने सामान बताया, इन सभी की लूटपाट की और फिर महिला किसी तरह से शोर मचाते हुए इन चंगुल से भाग गई थी। इसमें हमने सभी गिरफ्तारियां कर ली हैं। एक जो वांछित है अभी उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया गया जाएगा और इनके कब्जे से हमने 1 कार वैगनार, 1 तमंचा, 1 कारतूस, 3 मोबाइल और 4,000 रुपए बरामद किए हैं। सर, इनकी मंशा क्या थी, फिरौती मांगने की थी, क्या प्लान था? इन्होंने मोबाइल के माध्यम से इनकी बेटी से फिरौती की मांग भी की थी और अभी तक के पूछताछ में तथ्य निकल के आया है कि जो मोबाइल लेके गए थे वो इन्होंने फेंक दिया था, लेकिन फेंकने के पूर्व उसका व्हाट्सएप नंबर पे स्टार्ट कर लिया था और उस नंबर से व्हाट्सएप कॉल से ये फिरौती मांग रहे थे और बातचीत कर रहे थे। तो पुलिस इसमें और भी अग्रिम विवेचना कर रही है और भी साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और उनके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई की जाएगी। आपराधिक इतिहास क्या है सर लोगों का? अभी एक ही व्यक्ति का आपराधिक इतिहास सामने आया है और बाकी का और पता लगाया जा रहा है और जैसे पता। जेवी हेल्थ केयर अब रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।